हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम फोटोशॉप के अंतर्गत 3D इफेक्ट बना के देखेंगे। सो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाली बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया है कि आज की इस वीडियो में हम फोटोशॉप के अंतर्गत 3D इफेक्ट बनाना सीखेंगे। सो आइए सबसे पहले हम लोग फोटोशॉप को स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप को स्टार्ट करने के लिए स्टूडेंट्स, आप अपने कीबोर्ड से विंडोज़ को दबा के आर बटन को प्रेस करो। ओके, जैसे ही विंडोज़ आर बटन को प्रेस करोगे, ध्यान से देखो, ऐसे आपको यहाँ पे रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसमें आपको फोटोशॉप ऐसे लिख देना है और ओके वाली बटन पर आपको क्लिक कर देना है। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप ओके वाली बटन पर क्लिक करते हो, आप ध्यान से देखो, इस तरीके से फोटोशॉप आपको खुलता हुआ नज़र आएगा। ओके स्टूडेंट, फोटोशॉप यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आप सबसे पहले जाओ फाइल मेनू में, फाइल मेनू में जाके न्यू नाम के इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ से साइज आप कोई भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 1024x768 पिक्सल की फाइल ली है और इसमें बैकग्राउंड का बैकग्राउंड को वाइट रखा हुआ है। मैंने ओके वाली बटन पर क्लिक किया। ध्यान से देखो, इस तरीके का आपका यहाँ पर जो है एक पेज आपका बन के यहाँ पे आपको दिख गया है। अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, आपको सीधे जाना है यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे, टेक्स्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट यहाँ पे कुछ भी राइट कर देना है। टाइप किया स्टूडेंट इस तरह से, कंप्यूटर स्पीड। ओके, मेरे चैनल का नाम है कंप्यूटर स्पीड स्टूडेंट। सो मैंने क्या किया, मैंने कंप्यूटर स्पीड यहाँ पर राइट कर दिया। ओके, मैं इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये टेक्स्ट रिटेन है। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले जाओ विंडोज मेनू में और विंडोज में स्टाइल नाम का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। इस स्टाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे स्टूडेंट, इसमें जाओ और यहाँ से आप किसी भी प्रकार की एक जो है आपको यहाँ पे स्टाइल यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने ये वाला चूज कर दिया अपने टेक्स्ट के ऊपर। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से आपको दिखा। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखो, सीधे से आप जाओ यहाँ पर लेयर मेनू में, लेयर में जाओगे स्टूडेंट यहाँ पे, और लेयर में जाने के बाद टाइप नाम के इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको कन्वर्ट टू शेप नाम के इस ऑप्शन पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे स्टूडेंट, यह शेप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए किए स्टूडेंट क्योंकि मैं अगर अब एडिट में जाता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर प्री ट्रांसफॉर्म टूल पर, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक प्रस्पेक्टिव ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका ओपन हो जाएगा। मैं इसी पे मुझे क्लिक करना है, मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा स्टूडेंट, ध्यान से देखो, कुछ ऐसे सिलेक्शन हो गया। अभी अब आपको क्या करना है, या तो ऊपर से या तो नीचे वाले से क्या करना है, ऐसे नीचे के लिए आपको ऐसे खींचना है। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखो, जब ऐसे खींचोगे स्टूडेंट तो इस तरीके की शेप आपको यहाँ पर बन जाएंगी। अब आप इस अप्लाई नाम के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। ध्यान से देखो स्टूडेंट, कुछ इस तरह का टेक्स्ट आपका यहाँ पे बन चुका है। अभी आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे, अब आपको सीधे से जाना है अपनी लेयर पे। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, लेयर कहाँ पे है आपकी, लेयर तो यहाँ पे है ना, यही है लेयर आपकी, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट, अपने कीबोर्ड से, अपने कीबोर्ड में अल्ट बटन को क्या करना है, दबा रखना है। और इसके बाद यहाँ पर जो अप डाउन और लेफ्ट राइट एरो होती है, इसमें से मैं राइट एरो को प्रेस कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसकी डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर क्या हो रही है, देखो ऐसे बन रही हैं, कुछ इस तरीके का बना। देखो तो कैसा 3D जैसा इफेक्ट आपको यहाँ पे कन्वर्ट होके मिल रहा है, देखो ऐसा मिला स्टूडेंट। अभी आप क्या करोगे, थोड़ा ध्यान से देखो, अब आपको सीधे से अपनी लेयर में जाना है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे ये सारी लेयर यहाँ पे क्या है, क्रिएटेड हो चुकी हैं। ओके, अभी आपको क्या करना है, ऊपर वाली लेयर को छोड़ के नीचे वाली लेयर में आओ स्टूडेंट, और इस तरीके से सभी लेयरों पर क्या कर देना है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पर पहले सेलेक्ट कर लो, फिर यहाँ से क्या करो, इन सभी को लिंक करना है इस तरीके से, ठीक है। एक दूसरे से क्या करता हूँ, मैं इन सभी को लिंक कर दूंगा। तो ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से ये लिंक हो रही हैं यहाँ पे। मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, जितना भी होगा सारे को पहले लिंक करूँगा, फिर इसके बाद इनको, इस लिंक को सारे को क्या करूँगा, मर्ज कर दूँगा, ठीक है स्टूडेंट। तो सभी अभी लिंक हो चुकी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मर्ज करने के लिए यहाँ पर लेयर नाम के इस ऑप्शन पर जाओगे स्टूडेंट, ठीक है। ओके, और यहाँ पर जाओगे और नीचे जाना है आपको, यहाँ पे लिखा होगा मर्ज लिंक्ड,
ठीक है, इस पर क्लिक करना है। शॉर्टकट तरीका कंट्रोल ई भी आप अपना यहाँ पे लगा सकते थे, तो कंट्रोल ई का भी प्रयोग आप यहाँ पे कर सकते हो, और चाहे तो इस पर जाके क्लिक भी कर सकते हो। सो मैंने इसमें कंट्रोल ई पे क्लिक किया। ऐसा करने से स्टूडेंट आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सारी लेयर एक में कन्वर्ट हो गई, और एक लेयर को मैंने ऊपर वाले को छोड़ रखा था, जिसमें ये ऊपर वाला ये आपका जो दिख रहा है रेड वाला कलर है इसके ऊपर, वो बाकी जितनी भी लेयर हैं उन सभी को मैंने मर्ज कर दिया है। अब स्टूडेंट मुझे क्या करना है, अपने इस जिस पे जिसको मैंने मर्ज किया, यहाँ पे ये मर्ज है, ठीक है, ध्यान से देखो यही मर्ज किया है मैंने। अब इसी के ऊपर राइट बटन को क्या करना है आपको दबाना है। जैसे ही आप स्टूडेंट दबाओगे, देखो मैंने कंट्रोल के साथ दबा दिया था, सो ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है। अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसकी जूमिंग कम करके कंट्रोल डी बटन को प्रेस कर दूंगा तो ये हट जाएगा। यहाँ पे राइट बटन को प्रेस करूँगा तो क्या ऑप्शन खुलेगा आपको, यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। आपको ब्लेंडिंग नाम के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे ब्लेंडिंग नाम के इस ऑप्शन पे स्टूडेंट, इस तरीके से आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, इसमें आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन तो आपको नज़र आ रहे होंगे, तो आप जो इसका भी प्रयोग करना है उसका कर सकते हो। मुझे यहाँ पे ग्रेडियंट ओवरले पे क्लिक कर देना है, क्योंकि मैं यही लगाना चाहता हूँ, सो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। स्टूडेंट ध्यान से देखो अभी किस तरह का इफेक्ट यहाँ पे जनरेट हो गया, नीचे ग्रेडियंट लग गया। स्टूडेंट देखो इसमें नीचे लगा है कि नहीं लगा, ग्रेडियंट यहाँ पे ग्रेडियंट लग गया है। यदि आप कलर देना चाहते हो तो कलर भी लगा सकते हो। स्टूडेंट देखो रेड कलर था इसीलिए वजह से रेड दिख रहा है। यदि मैं यहाँ पे देखो ग्रीन यूज कर रहा हूँ तो देखो ग्रीन तरह का यहाँ पे ग्रीन अगर कलर मैं यूज करता हूँ स्टूडेंट, तो ध्यान से देखो ये ग्रीन कलर इस तरीके से आपका इसमें लग चुका है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा है जितना अच्छा वो दिख रहा था। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्लेंडिंग नाम के ऑप्शन पे क्लिक करके स्टूडेंट इसे कलर और लिखो हटा के यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ग्रेडियंट का प्रयोग कर देता हूँ। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, मैं जैसे ही ओके वाली बटन पर क्लिक करूँगा, देखो अभी उसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। कंट्रोल प्लस करके मैं इसकी साइज आपको दिखा देता हूँ। अभी देखो कंट्रोल प्लस को मैंने प्रेस किया स्टूडेंट, ये देखो कैसा 3D की तरह बिल्कुल यहाँ पे आपको इफेक्ट बन के नज़र आ रहा होगा। सो स्टूडेंट इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फोटोशॉप में 3D का इफेक्ट दे सकते हो। स्टूडेंट और बेहतर बनाने के लिए आप इसे कोई बैकग्राउंड का कलर भी ऐसे दे सकते हो। सो मैंने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर इस तरीके से सेलेक्ट किया, और यहाँ पे क्या किया अल्ट बैक के द्वारा बैकग्राउंड को ऐसे लगा दिया। देखो बैकग्राउंड लगा कि नहीं लगा आपको यहाँ पे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आप चेंज करके देख लीजिएगा स्टूडेंट, कोई भी अच्छा भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड, जिससे कि और अच्छा आपको क्या होगा दिखेगा। तो मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, अल्ट बैक को दबा देता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो आप बैकग्राउंड यूज करना है तो करो, नहीं तो नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, कंट्रोल बैक करके मैं वाइट कर देता हूँ। देखो काफ़ी अच्छा आपको अभी ये नज़र आ रहा है। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फोटोशॉप में 3D इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।